एक बेटी ने बहुत अच्छा बताया था जिसने भी लेक्चर दिया था, काफी सारी बातें बताई थी। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है कि नहीं? हम बात करते हैं संतुलित आहार पर, करते हैं बात कि हमारे शरीर को एक बैलेंस डाइट चाहिए। तो बैलेंस डाइट में हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मिनरल्स, फिर पानी भी होता है। पानी भी बॉडी के लिए जरूरी होता है, वो भी एक क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है पानी, है ना। बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए सारे दिन, तो वो भी एक न्यूट्रिशन का काम करता है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, कुछ शरीर की क्रियाओं को करने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये आयोडीन हमारे को कहाँ से मिलता है? आयोडीन युक्त नमक से ही मिलता है। जब हम बाजार में जाते हैं, जब हम नमक खरीदते हैं, तो किस बात का ध्यान रखना है? सिर्फ मेन बातें मैं आपको बताऊंगी, किस बात का ध्यान रखते हैं कि जो आयोडीन नमक होता है, इसमें आयोडीन होता है नमक में, उसमें क्या होता है, सूरज का निशान बना होता है। देखा है कभी? मम्मी ने देखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा ना, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि उसमें जब भी खरीदने जाते हैं हम नमक, तो उसमें क्या होता है, एक सूरज का निशान होता है आयोडीन नमक के पैकेट में, और उसमें सारा कुछ दिखाया होता है कि भाई नमक का इस्तेमाल कैसे करना होता है ना। कईयों में तो शायद नहीं भी होगा, लेकिन उसमें बताया होगा कि किस तरह से आपने नमक का इस्तेमाल, आयोडीन नमक का इस्तेमाल जो है खाने में करना है, और कैसे इसका रख रखाव करते हैं, सारी जानकारी जो है उसमें होती है, जो आयोडीन नमक का पैकेट होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या है, थायराइड ग्लैंड होती है, पता है ना, कहाँ होती है, गले में होती है, ठीक है। तो यहाँ साइंस के मैडम भी बैठे हुए, तो इनको तो पता है सारा कुछ, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड होती है, उसके लिए क्या है, उसमें दो हार्मोन जो है वो निकलते हैं, है ना। और वो क्या होता है कि वो जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो थायराइड ग्लैंड के लिए क्या होता है, आयोडीन बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? नंबर वन, इसलिए जरूरी होता है कि वो मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और सेकेंडली क्या होता है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। जो पाचन प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तीन चीजें होती है, है ना। तो इसलिए क्या है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के लिए जो है स्रावित होती है, उसके लिए ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई ये बहुत जरूरी होती है कि क्या मेंटेन करता है वो हार्मोन जो होते हैं, वो तीन चीजों को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। बताई ना मैंने तीन चीजें, याद रखना उसको, मैं वहां बाद में पूछेंगे उसको। तो देखिए, जो आयोडीन होता है वो जो एक गर्भवती माता होती है, होती है ना, तो माता गर्भवती होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर उनको आयोडीन नमक नहीं मिलता है तो क्या होता है, बच्चा जो है वो गूंगा, बहरा, बोना, मंदबुद्धि, है ना, पैदा हो सकता है, ऐसा बच्चा जो है पैदा हो सकता है, समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, है ना। बच्चे का एक पीरियड होता है ना कि 9th month के बाद पैदा होता है, लेकिन वो जो है प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। और इवन अगर आयोडीन नमक की अगर कमी होती है उस माता को, गर्भवती माता को, तो बच्चे की मौत तक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए जरूरी है, और बहुत जो है जन्मजात बहुत सारी विकृतियाँ भी बच्चे को हो सकती है, तो इसलिए गर्भवती माता के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी होता है। उसको भी जितना कि अन्य न्यूट्रिशन जरूरी होता है उतना ही जरूरी है वहाँ उसको आयोडीन लाना होता है। विकास निवारण दिवस के अवसर पर पधारे सभी प्यारे बच्चों, गुरुजनगण और ये शिक्षा क्रांति से आए सत्यन सर जी, आप सबका मैं इस दिवस पर स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी मैडम राधा जी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हैं ना, इन्होंने आपने ऐसा डिटेल में बता दिया, मैं थोड़ा सा चलो प्रोग्राम रिलेटेड विचार रखना चाहूँगी। अब कई है ना आयोडीन, मतलब आयोडीन की कमी है ना, डेफिशिएंसी रही है, उससे क्या होता है, उसकी कमी से विकार आ जाते हैं है ना, हमारे शरीर में, हमारे मानसिकता में, ठीक है। तो उसे विकार विकार आ जाता है, विकार मीन्स
उससे डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी कमी को ना होने देता है। ये बहुत पहले से चला हुआ है प्रोग्राम, जब हम भी आपकी तरह स्कूल में पढ़ते थे ना उस टाइम से चला हुआ ये प्रोग्राम, पर अभी भी हम इसको चल रहे हैं। क्यों? इसकी आवश्यकता है। आज हमारे को नॉलेज है, जानकारी सबको है कि हमारे को आयोडीन की जरूरत है, 150 माइक्रोग्राम हमारे को जरूरत है ना। जरूरत है तो क्या है? प्रैक्टिस की है ना, हमारे को प्रैक्टिस नहीं करते हम। सबको पता है कि नमक उबालने के बाद डालना चाहिए। जब भी हम खाना बनाते हैं नमक को कब डालते हैं? तड़का में। सब लोग 100%, कोई बच्चे हाथ खड़े करो जो उबाले। बच्चों को किचन का सामान का पता है? हैं, कितने बच्चों को पता है? सबको पता है। दाल बनाए किसी ने? बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। नमक कहाँ रखा होता है? डब्बे में नहीं डालना है, हमेशा डब्बे में रखना है, मसाले दाने में, ओपन में नहीं रखना है। सिर्फ एक बात की जरूरत है, हमारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जानकारी बहुत है, जानकारी के उसमें हम लोग बहुत आगे हैं, प्रैक्टिस में जीरो। तभी हमारे लिए अभी भी ये प्रोग्राम चलाने की जरूरत है ना। आयोडीन की कमी से सबसे पहले क्या हुआ था? गोइटर नामक का सुना है ना, गेंगा। वो जैसे ये थायराइड ग्लैंड होते हैं उसको सोजिश आ जाती है। आज थोड़े से दिखने को कम होते हैं, पहले बहुत केसेस आते थे है ना, खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत ही होता है। आप लोगों ने देखा अपने लाइफ में कभी है ना, ये गिल्लड़ हो जाते हैं आगे से ना, और यहाँ से गार्ड हो जाते हैं बड़े, वो क्या होते हैं? आयोडीन की कमी से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में सूजिश आ जाती है। और दूसरी बात, इसकी कमी से क्या होता है? मानसिक विकास नहीं होता है, मन बुद्धि वाला होता है, गेंगा बेंगा जो भी है ना, कान से सुनने में दिक्कत होती है। जब आप पढ़ाई करोगे पढ़ाई में मन नहीं लेगा है ना, ये चीजें मतलब इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली हमारे को पता नहीं लगता है। ठीक है, और हमारे को डेली हमेशा खाने खाना है। ठीक है, आज हम मैं तो ये चाहूंगी आप हमेशा प्रैक्टिस अपना बिहेवियर ना चेंज करेंगे आज से। ठीक है, आज से हम प्रण लेके जाएंगे कि हम नमक हमेशा उबलने के बाद ही डालें। हमारे को डायरेक्टली आयरन कहाँ से, आयोडीन कहाँ से मिलती है? खाने के नमक से। ठीक है, उसके बाद जो मांस खाते हैं, मांस मच्छी अंडे उसमें तो होता है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, खासकर सबसे ज्यादा आलू को क्या कहते हैं हम? छिलके खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं ना। पहले हमारे बुजुर्ग आलू ने देखा नहीं, हमने देखा है हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं आलू को बिना छिलका है ना, आलू के छिलके में भी आयोडीन होता है, बहुत टेस्टी। कभी आलू को ऐसे बना के देखना, उसे नमकीन सा होता है उसका टेस्ट ना, छिलका का। ठीक है, तो क्या है जरूरत, क्या है कि हमारे को प्रैक्टिस करने। तभी गवर्नमेंट क्यों इतना प्रोग्राम चला रहे हैं, इतना पैसे डाल रहे हैं, फिर भी हमारा हेल्थ बिहेवियर क्या है? वही के वही है। क्या करें हम, यहाँ से भी कमजोर हैं, सुस्त हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, जैसे पहले चला है उसी को करते हैं ना। तो अपने आप को थोड़ा, जैसे हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ है आर्थिक तौर पे है ना, तो हमारा मतलब स्वास्थ्य क्या करें हम, जब हम स्वस्थ होने के क्या है, मन तन वातावरण सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए ना, तभी तो हेल्थ का हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, जिसे कैसे लगे सेशन? बढ़िया लगे? अच्छा, कुछ सीख के ले जा रहे हैं? यस सर। और जरूर जीवन में उतारेंगे जी। स्वच्छता के लिए जो आपसे सुबह बात हुई थी, तो क्या आपसे मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप में से कौन यहाँ आएंगे और उस अभियान के बारे में और ये जो जागरूकता कार्यशाला हुई इसके बारे में बताएंगे? कॉन्फिडेंट कौन है आप में से, हाथ खड़े करो। हु इज मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑफ यू? शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नीलाक्ष शर्मा। नीलाक्ष शर्मा, आप कौन सी कक्षा में? 9th क्लास। आज आपके विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्या वो कार्यशाला है? विश्व आयोडीन। विश्व आयोडीन दिवस मनाया जा रहा है, शाबाश। और जो सुबह आपसे बात की गई थी, किस बारे में बात की गई थी? सर, स्वच्छता और आयोडीन, आयोडीन की कमी ना हो किसी भी आदमी को। सुबह बात की गई थी स्वच्छता को लेकर, ठीक है। तो सर ने सुबह मॉर्निंग असेंबली में कहा था कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। सर ने कहा था कि भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? राष्ट्रीय स्वच्छता। स्वच्छता, शाबाश। हमारा स्वास्थ्य कैसे बनता है? क्या जो भोजन खाते क्या उसी से स्वास्थ्य बनता है? नहीं, याद रखो, कान से भी हम खाते कुछ, आंखों से भी खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? क्या खाते हैं आंखों से? रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया, फटाफट एम्प्टी स्क्रॉल कर रहे हैं। कौन कौन करते हैं एम्प्टी स्क्रॉल? सभी करते हैं, बहुत गलत बात है।
अच्छी चीजें देखो, इसीलिए ध्यान रखो। जिस प्रकार से भोजन से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण होता है, उसी तरह से विचारों से, जो हम आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर आप मेंटली डेवलप्ड रहना चाहते हैं तो आज के बाद हर कुछ नहीं देखना है। अभी हेल्थ एजुकेटर मैम क्या क्या हटे हैं ना, बताओ। रितिका, रितिका आपको कैसे लग रहा है आज यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आप बता सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, कौन कौन से कारक है, कोई एक कारक बताएं या गैस बताएं, कुछ भी बताएं, किससे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है? एक तो जो हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं उस वजह से भी हो रहा है, और जो हम प्लास्टिक को जलाते हैं उससे भी ऑक्सीजन हमारी कम हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जला रहे हैं उससे बढ़ रही है, उस वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और पानी को जैसे हम छोड़ रहे हैं उससे भी पानी की कमी के कारण लोग ज़्यादातर मतलब पेट्रोल का भी यूज़ कर रहे हैं, फिर उससे भी हमारा मतलब धुआं निकल रहा है जो अच्छा नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। मेरा नाम धीरज है। धीरज आप कहाँ से आते हैं? मैं लावीघाट से आता हूँ। आप बता सकते हैं आज यहाँ हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम यहाँ पे आयोडीन दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, जिससे हमें जागरूकता हो कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। अच्छा, स्वच्छता के बारे में आप क्या समझते हैं? स्वच्छता सर ऐसे है कि हमें अपने आस पास के जैसे प्लास्टिक हो गया उसको बॉटल में इकट्ठा करने चाहिए, जैसे उसकी ब्रिक काम आती है, जैसे घर बनाने या किसी शो पीस के लिए, या गीले कचरे को हम अलग डस्टबिन में डालें और सूखे कचरे को अलग डस्टबिन में डालें, ऐसा करना चाहिए अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए। आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या करते हो, क्या करोगे? सर व्यक्तिगत स्तर पे तो हम जैसे साफ सफाई करेंगे अपनी जगह, जैसे करते हैं कि नहीं करते? करते सर। गलती से कभी कचरा इधर उधर फेंका होगा? वो तो होता है। होता है, आज के बाद होगा? नहीं, नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फटाफट किसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया? मेरा नाम संचिता है, और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है। सही बोले संचिता के लिए जोरदार तालियां, शाबाश। आपको आपको कैसे लगा बेटा आज? अच्छा लगा। क्या सीख के ले जा रहे हो आप? कि आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जो हाँ आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए आयोडीन। ठीक है, और स्वच्छता के बारे में क्या बताएंगे? स्वच्छता के बारे में हमारे हमें अपने आसपास जो वातावरण है वो साफ रखना चाहिए, और खुद भी साफ रहना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या साफ सुथरा रखती हैं वातावरण? हाँ जी। थोड़ी लापरवाही बरतती होगी? हाँ जी। आज के बाद बरतेगी? नहीं नहीं बरतेगी? नहीं। पक्का प्रॉमिस? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, क्लैपिंग फॉर हर। राधा मैम ने कहा था कि पूरी जिंदगी भर हमें कितनी मात्रा आयोडीन की चाहिए होती है, और हेल्थ एजुकेटर मैम ने कहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए नमक को जो हम सब्जी दाल बनाते हैं हमें तड़के में नमक डालना चाहिए या तड़के के बाद डालना चाहिए। हाथ खड़े करो फटाफट। मेरा नाम भूमिका है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। जो पहला प्रश्न उसका उत्तर दीजिए। 150 माइक्रोग्राम। दाल को हमें जब उबल जाती है तब हमारे को नमक डालना चाहिए, तड़के में नहीं डालना चाहिए। सर मेरा नाम विमल है, मैं प्लस वन कक्षा में क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं पर्यावरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमें मतलब आज के वर्तमान समय में हमें मतलब हमारे यहाँ पे बहुत प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत वाहन चलाते हैं तो जिससे धुआं बहुत बढ़ता है और वायु प्रदूषण होता है, और मतलब यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगी हैं जिससे मतलब एक तो जल प्रदूषण होता है, मतलब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो पानी में छोड़ते हैं जिससे मतलब जल प्रदूषण होता है, और हमारे जो जल में जो जलीय जीवन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और वायु प्रदूषण होता है। और आप अपने स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करोगे? सर हम कम से कम नहीं, हम प्लास्टिक नहीं जलाएंगे, मतलब उसको संभाल के रखेंगे और उसका सही यूज करेंगे। ठीक है, रीयूज करेंगे, मतलब में कचरा फेंकेंगे? नहीं सर, नहीं फेंकेंगे। मैं
सौम्या कौन सी क्लास में पढ़ती है? केजी। केजी में, शाबाश। आप भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम सेजल है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? फर्स्ट। शाबाश। आपका क्या नाम है? रोहन। किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। अरे वाह, आपका क्या नाम है? अबे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी में, शाबाश, वेरी गुड। आज आपने बेटा क्या सुनाया था मॉर्निंग असेंबली में? एक लाइन बोल सकते हैं? जोर से बोलो। जानी जान, यस पापा, ईटिंग सुख, नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा, अप न्यू माउथ, हा हा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सम्मान के योग्य स्वास्थ्य विभाग से हमारे बीच पधारे कोऑर्डिनेटर, हेल्थ एजुकेटर, एनजीओ से श्री सत्येन जी, मेरे विद्यालय के कर्मठ एवं विद्वत अध्यापक वृंद एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे बीच पधारे आगंतुकों को ये बताना चाहूँगा कि विद्यालय में इन बच्चों के लिए कोई भी इनके स्वास्थ्य से संबंधित, इनके मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए या इनके पर्सनालिटी के किसी भी एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए किसी भी तरह का कोई हमें ऑफर मिलता है तो हम विद्यालय की तरफ से उस ऑफर को सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए मेरा यह मानना है पढ़ाई एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, और उसकी पर्सनालिटी के, उसके व्यक्तित्व के बहुत सारे दूसरे आयाम होते हैं जिनका पोषण होना, जिनका नरिश होना भी बहुत आवश्यक है। सो दैट ए चाइल्ड में बिकम ए अवेयर्ड, ए असेट सिटीजन ऑफ द नेशन। आप बच्चे अभी तो विद्यार्थी हैं, परंतु कल को आपने सोसाइटी में जाना है, समाज में जाना है, और समाज का आप एक अंग बनेंगे। और आपके लिए, जैसा कि ये आज का कार्यक्रम था, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, इसको आप लाइटली मत लें। यहां से जो आपको जानकारियां प्रदान की गई हैं उसको आत्मसात करें, दिल से आत्मसात करें। आपको स्वच्छता से संबंधित बात बताई गई, अपने क्या संकल्प करना है, और विद्यालय में हमारी जो गतिविधियां होती रहती हैं उसका एक ये महत्वपूर्ण पहलू रहता ही रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित विशेषतः आयोडीन पे बात की गई, ये आयोडीन क्या है आपसे बखूबी यहां पधारे महानुभाव ने चर्चा की होगी, और मेरा ये मानना है कि आप सभी, ना केवल आप बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें अनुपस्थित रहा, परंतु मुझे ये मालूम है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी जिससे कि हमारे स्टाफ के सदस्यगण भी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यक्रमों को बड़ी संजीदगी से लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले समय में ये चीजें याद आएंगी, जब आप समाज में होंगे आपको महसूस होगा, शायद आपको उतने ही ये चीजें आज ना छू रही हों,
ना आपको जो है वो इतनी महसूस हो रही हो बातें, परंतु आने वाले समय में ये जो अवेयरनेस कंपेन है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये अवेयरनेस आपके लिए है। क्यों है आपके लिए? क्योंकि कल को आप ही तो होंगे बड़े, आप ही तो भुगतेंगे जो हमारी पोल्यूशन की जो रिजल्ट आने हैं। अभी तो थोड़े थोड़े रिजल्ट आए हैं, ये पोल्यूशन के जो हमें जो परिणाम मिल रहे हैं, घातक परिणाम मिल रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आपके समय में, आपके समय में ये और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तब आपको महसूस होगा कि हाँ वो बात सही थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी बात चाहे आपके सिलेबस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में भी इनकॉर्पोरेटेड है, सिलेबस में भी ये हैं सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों को आप अपने बिहेवियर में, अपनी दिनचर्या में भी लाए। और यहाँ पधारने पर सत्येन जी का और स्वास्थ्य विभाग से पधारी मैडम जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं भविष्य में भी ये चाहूँगा, मेरी चर्चा हो रही थी इनसे, कि हमारे बच्चों के लिए आप जब भी आपके पास समय हो यहाँ विद्यालय में, हम आपको जो है यू आर एवर इन्वाइटेड, आप हमेशा, आपका स्वागत है। इन बच्चों के लिए किसी भी किसी ना किसी रूप में आप जरूर जो है इनको जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित या दूसरी जानकारी प्रदान करने के लिए समय समय पर आते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन के लिए, आपका समय देने के लिए विद्यालय के बच्चों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं प्रिंसिपल सर का, ऑल फैकल्टी मेंबर्स और मेरे साथ आए हुए सत्येन सर, मैडम और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने समय दिया, सहयोग दिया, और सबसे अच्छा जो है बच्चों ने इतना अच्छा इंट्रैक्शन दिया जिसकी कि मतलब हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो बहुत ही अच्छा क्विज था, और आगे भी हम आप लोगों के मध्य इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आपके बेनिफिट के लिए जब जब हमें समय लगेगा ज़रूर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही हम कोई प्रोग्राम जो आपके मध्य ऑर्गेनाइज करें। तो मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और बच्चों का जो इंटरेक्शन रहा बहुत अच्छा रहा। तो अब हम बच्चों को कुछ प्राइजेज देना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और सभी बच्चों को जो है वो प्राइजेज दें।